हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। तो आज बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की और कोशिश करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें अगर आप आईसीएआर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या पहले पता होना चाहिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पता है कि कोई भी चीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म ने खाई है तो उसको एक्सक्रीट करना होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सक्रीट करना होता है बॉडी से, क्योंकि क्या है, वेस्ट को तो आप अंदर रख नहीं सकते। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से चीज़ एक्सक्रीट करते हैं। पहला वेस्ट प्रोडक्ट है एमोनिया। तो एमोनिया को जो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट आउट करते हैं वो एमोनोटेलिक कहलाते हैं, ठीक है, एमोनोटेलिक कहलाते हैं। एमोनिया टॉक्सिक होता है और जो एमोनिया होता है वो ईजिली क्या होता है, सरफेस से रिमूव हो जाता है। वाटर में क्या होता है, वो सॉल्यूबल होता है। अमोनिया के वाटर में सॉल्यूबल होने की वजह से वो सरफेस पे, मतलब जैसे कोई फिश है तो फिश के सरफेस से ही वो आर पार हो जाएगा, फिश के सरफेस से वो वाटर में निकल करके चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो होता है अमोनिया इस तरह के एनिमल्स में एक्सक्रीट होता है, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबिया जो पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, इस तरह की चीज़ें। यूरियोटेलिक, तो क्योंकि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है इसलिए हाई ऑर्गेनिज्म में क्या चाहिए होता है, कोई ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो कि कम टॉक्सिक हो। तो हाई ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक होते हैं, जैसे कि मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें टेडपोल की, जो कि फ्रॉग का होता है, तो टेडपोल क्या होता है, फ्रॉग का अनडेवलप्ड, ठीक है। तो जो टेडपोल होता है वो तो एमोनोटेलिक होता है पूरी तरीके से, और जो फ्रॉग होता है वो टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया है, वाटर में भी रहता है हालांकि, लेकिन वो यूरियोटेलिक होता है। मैमल्स यानी कि हम लोग भी क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। अब बात करते हैं यूरिकोटेलिक। तो ऐसे एनिमल्स जो कि बिल्कुल भी वाटर वेस्ट ना कर पाएँ, क्योंकि ऐसे एनिमल्स जिनके पास वाटर कम अवेलेबल होता है, वो पानी में नहीं रह रहे, तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, यूरिकोटेलिक होती हैं, यानी कि वो यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीट आउट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स। तो जैसे बर्ड्स आपने देखा होगा स्मॉल पैलेट्स के रूप में जो है वो एक्सक्रीट को बाहर निकालती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। देखिए, कई सारे ऑर्गेनिज्म में कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे नेफ्रीडिया, अर्थ फॉर्म में क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं, प्रोटो नेफ्रीडिया होते हैं, प्लेटीहेलमिंथीस, रोटिफर्स, एनलिड और एम्फीऑक्सिस में। तो ये चीज़ें स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये आपको एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स किसमें होते हैं, इन चारों में, नेफ्रीडिया, अर्थवॉर्म्स में, मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में, और एटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, क्यों ये चीज़ें जाननी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन बींग में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं किडनी, और किडनी का जो यूनिट होता है, ठीक है, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो कहलाता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करेंगे नेफ्रॉन की। हमारे ह्यूमन बींग्स में दो किडनी होती हैं, आप सभी को पता होगा। किडनी में क्या होता है, आउटर पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और इनर पार्ट जो होता है वो मेड्यूला होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो मेड्यूला है उसमें देखिए पिरामिड्स प्रेजेंट है, तो 15 से 16 पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है। कॉर्टेक्स का वो पार्ट, ये कॉर्टेक्स है ना, तो कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेड्यूला तक जा रहा है उसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी, तो आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो पिरामिड्स हैं, ठीक है, जो पिरामिड्स हैं वो आगे चलकर खुलते हैं पेपेलेई में। पेपेलेई जो हैं वो कैलेक्स में खुलते हैं, ठीक है, कैलेक्स में, और कैलेक्स जो है वो आगे चलकर पेल्विस में खुलता है। और पेल्विस क्या करता है आगे चल करके, ये पेल्विस है, ये पेल्विस है, पेल्विस आगे चलकर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपने क्या समझी, कॉर्टेक्स समझ लिया, मेड्यूला समझ लिया, पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स पेपेलाई में खुलते हैं, पेपेलाई कैलेक्स में खुलते हैं। तो बहुत सारे माइनर कैलेक्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि मिल करके मेजर कैलेक्स बनाते हैं, वो सारे कैलेक्स मिल करके किस में आते हैं, पेल्विस में। पेल्विस किस में खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर किस में खुलता है, यूरेथ्रा में, और एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, देखिए अब यूरिन बनना चाहिए, यूरिन कैसे बनेगा, तो क्या होता है, एफरेंट आर्टरीओल, मतलब आती हुई आर्टरीज, मतलब ए मतलब आना, तो ए से एफरेंट आर्टरीओल्स क्या करती हैं, आती हैं मेलफीजियन कॉर्पस्कल में। नेफ्रॉन की यूनिट होती है नेफ्रॉन, जो मैंने आपको बताया फंक्शनल यूनिट है किडनी की, उसकी जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसको आप कहते हैं मेलफीजियन, मेलफीजियन कॉर्पस्कल।
या फिर आप कह सकते हैं नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल। और ये अफरेंट आर्टरियोल है जिससे ब्लड आ रहा है, इफरेंट आर्टरियोल जाता हुआ, ए से आता हुआ ना, तो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है और इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जाता है। और यहाँ पर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज बन गई ना, तो इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लो मेरुलस। ठीक है, तो किडनी में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, और नेफ्रॉन का स्टार्टिंग का पार्ट क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलके क्या कहलाते हैं? मेल्फीजियन कॉर्पस्कल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने समझ ली, एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस, उसके बाहर ये जो है कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल, और दोनों को मिलाकर क्या कहा? मेल्फीजियन बॉडी या मेल्फीजियन कॉर्पस्कल। और यहाँ क्या होगा? यहीं से यूरिन बनना शुरू होगा, यहीं से फिल्ट्रेशन होगा, तो ये ब्लड फिल्ट्रेट होकर नीचे जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड जो आ रहा है वो फिल्ट्रेट होता है सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे फिल्ट्रेट होता है? तीन मेम्ब्रेन्स के बीच में, क्या ये जो कैपिलरीज हैं इसमें एंडोथीलियम होगी ना कैपिलरीज में, तो देखिए कैपिलरीज की एंडोथीलियम, ये मान लीजिए कैपिलरी है, तो इसकी एंडोथीलियम इस कैपिलरी और इस ग्लोमेरुलस के बीच में, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको कहा एंडोथीलियम, इसको कहा बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, क्या? एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल, अफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, तो इस तरीके से मिलकर के ये बन जाती है। ठीक है, अब जो एपिथीलियम ऑफ वोमेंस कैप्सूल है उसमें स्पेशलाइज सेल होते हैं। स्पेशलाइज सेल्स क्या होते हैं? जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स इस मैनर में अरेंज होते हैं कि बीच में स्लिट्स बन जाए, यानी कि छेद बने हों, जिसको हम कहते हैं फ्रेनेस्टेशन स्लिट्स। ठीक है, तो इन स्लिट्स के बीच में से ब्लड जो होता है वो फिल्टर करते हुए नीचे आता है। अब ब्लड नीचे आता है, ये जो स्लिट्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि जो ब्लड आता है प्लाज्मा पूरी तरीके से फिल्ट्रेट होकर के नीचे आ जाता है, प्रोटीन्स ऊपर रह जाते हैं बस, बाकी पूरी चीज़ क्या होती है? फिल्ट्रेट होकर के नीचे आ जाती है। तो इस सेक्शन को हमने कहाँ दिखाया है? यहाँ पर। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जब यहाँ पर हो जाता है तो अब आगे का जो है वो फिल्ट्रेट बनना है और आगे जो है यूरिन फॉर्मेशन होनी है। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप था तो वो क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। तो कितना फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट? 125 ml फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट, 125 ml फिल्ट्रेट बनता है, और इसको हम कहते हैं GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो जितना भी फिल्ट्रेट बन रहा है किडनी के अंदर उसको हमने कहा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, पर मिनट जो बनता है। अब क्या हो रहा है? अब ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो अब ये नेफ्रॉन के अगले पार्ट में जाता है जिसको हम कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो भी प्लाज्मा आगे आया है, जो भी ब्लड आगे आया है मेल्फीजियन कॉर्पस्कल से फिल्टर होके, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस जो होते हैं वो वापस ले लेती है बॉडी। वो क्या होते हैं? वापस चले जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 125 ml पर मिनट इतना फिल्ट्रेट बन रहा है, यानी कि एक दिन में कितना बन रहा है? 180 लीटर, 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है, इतना ज़्यादा यूरिन। तो इतना तो क्या होता है, इतना ज़्यादा यूरिन तो निकलता नहीं है, कितना निकलता है? 1 से 1.5 लीटर ही निकलता है एक दिन में। तो इसका मतलब बाकी जितना भी है 99% क्या होगा? रीअब्जॉर्ब होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलना है अब आगे, तो PCT में हो रहा है। ठीक है, 70% ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, NaCl वगैरह सब रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। और इसके अलावा क्या होता है? सिक्रीशन एच पॉजिटिव, के पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस और एमोनिया सिक्रीट भी करता है PCT। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखता है। अब क्या होता है, वहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये रीजन क्या है, हम किडनी देख के आए थे ना, तो ये रीजन है कॉर्टेक्स और अंदर की साइड क्या है? मिड्यूला। अब क्या है देखिए, ये है हेनलेज लूप। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो हेनलेज लूप होती है वो अगर मान लीजिए कि मेड्यूला छोटा होता, मतलब नेफ्रॉन छोटा होता, इसमें कॉर्टेक्स रीजन ज़्यादा होता, मेड्यूला नहीं होता, तो हम उनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जिसमें मेड्यूला रिड्यूस्ड होता। अब पूरा है तो मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स कह रहे हैं। तो जहाँ पर
हेनलेज लूप बड़ा होगा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, जबकि हेनलेज लूप छोटा होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप और ये है असेंडिंग। तो फिर पीसीडी के बाद कौन सा पार्ट आता है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, इसकी डिसेंडिंग लिम्ब देखिए, क्योंकि ब्लड या फिर फिल्ट्रेट यहाँ से आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है और फिर ये ऐसे जाएगा इसलिए ये असेंडिंग लिम्ब होती है। ये होता है डीसीटी डिस्टल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये हेनलेज लूप है। तो अब इसमें देखिए, जो हेनलेज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर वाटर बाहर निकलता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। हालांकि इस पूरे सेगमेंट में हेनले लूप में बहुत ज़्यादा कम रीअब्सॉर्प्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या होगा, जैसे कि जैसे 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 वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो क्या होगा, यूरिन कंसेंट्रेट होते जाएगा, जो भी फिल्ट्रेट है वो कंसेंट्रेट हो जाएगा। असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है, वो क्या होता है सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होता है, तो सोडियम क्लोराइड बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, नीचे बढ़ने पे क्या हो रहा था, कंसनट्रेट हो रहा था, अब डायलेट हो रहा है, ठीक है। फिर डीसीटी में आ जाते हैं हम, डीसीटी में क्या होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, किसका, वाटर का भी हो सकता है, सोडियम का भी हो सकता है, HCO3 नेगेटिव का भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है HCO3 नेगेटिव का डीसीटी में। और क्या, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एच पॉजिटिव के पॉजिटिव एंड अमोनिया, क्यों, मेनटेन रखने के लिए ऑस्मोलरिटी को, ठीक है। फिर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है यहाँ से फिल्ट्रेट, और कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या हो सकता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है और कुछ अमाउंट में यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी यानी मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये हेनलेज लूप है, ये वासा रेक्टा है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, ये हेनले लूप है, हेनलेज लूप, और ये है वासा रेक्टा, ठीक है। तो वासा रेक्टा क्या होता है, ये जस्ट पैरेलल चलता है हेनलेज लूप के जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब वासा रेक्टा में अगर ये फ्लो है तो हेनलेज लूप में, मतलब हेनलेज लूप में ये फ्लो है तो वासा रेक्टा में ये फ्लो है, इस तरीके से है फ्लो, और हेनलेज लूप में इस तरीके से है फ्लो। तो क्या होता है, देखिए डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, अब देखिए असेंडिंग लिम्ब से क्या होता है, हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड निकलता है ना, ये सोडियम क्लोराइड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो जाता है और वापस से असेंडिंग लिम्ब क्या करती है, वापस से इसको इंटरस्टीशियम में भेज देती है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो एक तरीके से एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा ये क्या करते हैं, यूरिन को कंसेंट्रेट करते हैं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज मेजरली डन बाय वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ही ये दोनों रिड्यूस्ड होते हैं और मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ये दोनों बड़े होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें ऊंट की, तो ऊंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि उसको कंसेंट्रेटेड यूरिन करनी है। ह्यूमन बींग्स में अच्छा खासा बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि हमको भी यूरिन कंसेंट्रेट करना होता है। जबकि अगर बात करें ऐसे एनिमल्स जिनको यूरिन कंसेंट्रेटेड नहीं करना है, मतलब जो वाटर वाले हैं, जो एम्फीबियंस हैं, तो उनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनमें अगर किडनी होती भी तो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता, मेडुला नहीं भी होता तो चलता, ठीक है। तो मतलब उनको उतने ज़्यादा कंसेंट्रेट यूरिन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेडुलरी नेफ्रॉन्स उसमें नहीं होते, कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं दोनों, वासा रेक्टा और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से क्या करते हैं, यूरिन को कंसेंट्रेट कर देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ का रेगुलेशन कैसे होता है, देखिए एक तो ये यहाँ पर अफरेंट आर्टरियोल्स है ना, यहाँ पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो किससे बनते हैं, एक तो जेजी सेल्स, ठीक है, और डीसीटी, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये अफरेंट अफरेंट आर्टरियोल के जो कुछ सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं जेजी सेल्स में, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिए कि जब जेजी सेल्स, जब मान लीजिए कि जीएफआर लो हो गया, जीएफआर लो हो गया, तो जेजी सेल्स क्या करते हैं, रेनिन सिक्रेट करते हैं, RENIN, ये बात याद रखिए, किडनी से क्या निकलता है, रेनिन,
क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में RENIN रेनिन निकलता है इन्फेंट्स में, जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करता है. तो आपको याद रखना है कि RENIN कहाँ से निकलता है, जी जी सेल्स ऑफ द किडनी, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है. रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करता है. जो एंजियोटेंसिनोजन 1 एस एंजाइम आता है किडनी से, सॉरी लंग्स से आता है एस एंजाइम, और वो क्या करता है एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट करता है. अब ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या क्या कर सकता है. पहली बात तो ये एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में से एल्डोस्टिरॉन निकलवाता है. क्या एल्डोस्टिरॉन, एल्डोस्टिरॉन सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा सकता है. एंजियोटेंसिन 2 का वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है. तो इसकी वजह से क्या होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है. ठीक है, तो रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को 1 में कन्वर्ट कराया, वो 2 में कन्वर्ट हुआ एस एंजाइम जो कि लंग से आता है, उसकी वजह से उसने क्या करा, 2 ने एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज कराया, जिसने कि सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया. उसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं किडनी में, क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, और ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए, ब्लड वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं. तो क्या होता है, जब भी ब्लड वॉल्यूम में चेंज आएगा, जब भी ब्लड के प्लाज्मा लेवल में चेंज आएगा, ब्लड के फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज आएगा, या फिर ब्लड लेवल में चेंज आएगा, तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे, जो कि क्या करेगा, न्यूरोहाइपोसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या करेगा, ADH रिलीज करवाएगा, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. ये वैसोप्रेसिन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसका भी क्या होता है, कंस्ट्रिक्टरी मैकेनिज्म होता है, तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से GFR बढ़ जाएगा, ओब्वियसली GFR बढ़ जाएगा. ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है तो डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करेगा. ठीक है, तो क्या हो रहा है, दो चीज़ें, रेनिन और एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन भी आप ऐड कर सकते हैं, हालांकि NCERT में लिखा है रेनिन एंजियोटेंसिन नोजन मैकेनिज्म. तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म क्या करता है, रेगुलेट करता है GFR को. ठीक है, और मान लीजिए कि इनकी वजह से सबका कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है ना, ADH का भी, एंजियोटेंसिनोजन 2 का भी, एल्डोस्टेरॉन का भी, तो मान लीजिए ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अब क्या होगा, हार्ट के एट्रियम से ANP निकलेगा. ठीक है, एंट्री नेटरोटिक पेप्टाइड, ये क्या करेगा, ये हार्ट रेट को कम करेगा और GFR को भी कम करेगा. तो हार्ट रेट कम हो जाएगा तो GFR भी कम हो जाएगा. तो सिंपली क्या होगा, ये इस पर नज़र रखेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए ये क्या करेगा, इसे कम कर देगा जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो दिस ANP मैकेनिज्म क्या करता है, एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म. तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो रेगुलेट होता है. अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जैसे कि यूरेमिया. यूरेमिया क्या होता है, यूरिया इन ब्लड. हेमोडायलिसिस क्या होता है, जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, आर्टरीज में से ब्लड निकालते हैं, उसको सेलोफेन ट्यूब में डालते हैं, हेपेरिन ऐड करते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, और फिर किसी वेन में उस ब्लड को वापस से डाल देते हैं. रेनल कैल्कुलाई, किडनी में स्टोन हो जाना जो कि बहुत कॉमन है, और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलस का क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए. अच्छा, रेनल फेलियर या बाइलेटरल नेफ्रेक्टोमी, इसमें इसमें क्या होता है कि अगर रेनल फेलियर हो जाए तो एच पॉजिटिव के पॉजिटिव आयंस और यूरिया का लेवल जो होता है वो ब्लड में बढ़ता रहता है, और इसकी वजह से कोमा, डेथ, कन्वल्जन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, तो हालांकि ये NCERT में नहीं है तो ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. लिवर सिरोसिस जिनमें हो जाता है उसमें एंजियोटेंसिनोजन 2 की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन 2 का मैकेनिज्म वहाँ पर ख़राब हो सकता है. यूरिया जो होता है वो 25 से 30 ग्राम डेली एक्सक्रीट होता है बॉडी में से, आपको पता होगा 1 से 1.5 लीटर यूरिन करते हैं हम, उसमें इतना ही यूरिया होता है. ठीक है, इसके अलावा NCERT में दो एक छोटा सा पैरा दे रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा कि लंग से CO2 निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड सीबम और स्टेरॉल्स निकालते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पर मेन चीज़ ये जानने की ज़रूरत थी. हाँ, एक चीज़ और है कि PCT में जो सेल्स होते हैं वो
सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, तो ये चीज़ें भी कौन से में कौन से सेल्स होते हैं वो भी आप एक बार देख लें। हालांकि जो मेन चीज़ थी वो ये रेगुलेशन थी जिसको आपको जानना था, तो सिंपली एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जे जी सेल्स रेनिन रिलीज करवाएंगे, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंशन एजेंट को वन में कन्वर्ट करेगा, वन जो होगा वो टू में कन्वर्ट होगा, एस एंजाइम की वजह से टू जो है वो एडरेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकालेगा, और ये सब क्या करेंगे कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगे, जीएफआर बढ़ा देंगे। इसके अलावा क्या है, हाइपोथैलेमस भी एडीएच निकालेगा या वैसोप्रेसिन निकालेगा जो कि कंस्ट्रिक्ट कराएगा और H2O का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, जिसकी वजह से भी क्या होगा जीएफआर बढ़ जाएगा, और एएनपी क्या करता है इस पर चेक रखता है। तो सिंपली ये जानना बहुत ज़रूरी था, काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे रेगुलेट हो रहा है ये जानना ज़रूरी था, और ये जानना ज़रूरी था। ओके।